हेलो एवरीवन, मैं गीतिका आप सबका स्काईलाइट एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर की एक सीरीज लेके आ रही हूँ, जिसमें हम जो भी हमारे वीकली करंट अफेयर होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं 1 से 7 नवंबर का आपके सामने करंट अफेयर लेके आई हूँ, जो हमारे टॉप 30 क्वेश्चन होंगे उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि IAEA, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसके नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? तो राफेल ग्रासी को बनाया गया है। तो जो आपको जैसे पता ही है करंट अफेयर की किसका महानया मतलब निदेशक बनाया गया है, किसको और कौन सा डे है, या फिर कोई वर्तमान में कौन क्या अध्यक्ष बनाया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन है आपके आगे कि IAEA अंतर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक किसको बनाया गया? राफेल ग्रासी को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजेला मर्केल, ठीक है, एंजेला मर्केल एक दिन की भारत यात्रा पर आई थी, ठीक है, तो ये कहां से संबंधित है? तो ये आपकी कहां से संबंधित है? ये जर्मनी से संबंधित है। क्या है? जर्मनी की चांसलर है, जो कि अभी हाल फिलहाल में नवम्बर में हमारी 2 नवम्बर को भारत यात्रा पर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के लोक नृत्य भवना के अंग्रेजी संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके लोक नृत्य का अंग्रेजी में संस्करण, मतलब इंग्लिश में जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो भवना है। भवना आपको पता ही होगा कहाँ का लोक नृत्य माना जाता है, असम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में अरब सागर से जो एक चक्रवात उठा है उसका क्या नाम है? तो माहा। और ये माहा नाम किसने दिया था इस चक्रवात को? बांग्लादेश के लोगों ने इसको माहा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है। रेडियो कश्मीर का नाम, जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर हमारा जो है अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, साथ ही साथ लद्दाख भी, तो इनसे जुड़े जो भी करंट अफेयर होगा, मतलब इनका नाम चेंज किया, इसमें कुछ भी पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें जो रेडियो कश्मीर है इसका नाम बदल के क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। क्या नाम रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद हमारे जो 28वां व्यास सम्मान है, ठीक है, किसको दिया गया है? जैसे कि आपको पता है व्यास जी कौन थे, ठीक है, व्यास जी कौन थे, ये हमारे मतलब लेखक थे, ठीक है। तो इन्हीं के उपलक्ष में दिया जाता है ये व्यास सम्मान। तो हमारा फिलहाल 28वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? लीलाधर जंगूरी। और इनकी कौन सी रचना है? 2013 में इनकी एक रचना आई थी, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, तो उस कृति के लिए इनको ये व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 का जो G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कहां पर होना है? 2020 का कहां पर होगा? अमेरिका में होगा, ठीक है। इसके अलावा 35वां जो एशियन शिखर सम्मेलन है वो कहां पर होगा? बैंकॉक में होगा। नेक्स्ट है हाल ही में आरसेप की सदस्यता लेने से इनकार करने वाला देश कौन सा है? आरसेप क्या होता है दोस्तों? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जिसमें व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, ठीक है, मतलब कौन कितना भागीदार है, कौन सा देश कितनी भागीदारी कर रहा है, किस देश से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सब हमारे आरसेप के अंदर आता है। तो हमारा फिलहाल में आरसेप में भारत एक ऐसा देश है जिसने इसकी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, कालिदास कौन थे? कवि थे, तो ये कवियों को दिया जाता है, तो किसको दिया गया? सुरेंद्र वर्मा, जो कि 78 साल के हैं और कहां से बिलोंग करते हैं? झांसी से। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? रंग क्रम के क्षेत्र में दिया गया है। इंडियन ब्रेन एटलस तैयार करने वाला IIT संस्थान कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा संस्थान है जिन्होंने इंडियन एटलस ब्रेन तैयार किया है? वो है IIT हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा जारी इस इज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में भारत की रैंक कितनी है? जो विश्व बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा कि आपको पता है कि कौन सा देश बिजनेस के मामले में, व्यापार के मामले में कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो विश्व बैंक ने इसकी रिपोर्ट जारी की है अभी हाल में, तो इसके अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक आई है वो कितनी आई है? 63 रैंक है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में किसे आइकन पुरस्कार दिया गया? तो हाल ही में आपका होने वाला है 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाला है, जिसके अंदर इसमें विशेष आयकन पुरस्कार किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आपको रजनीकांत जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डटलिक 2019 किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान। तो कई सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, मंथली जो भी आते जाएंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डटलिक किन दो देशों के बीच है? ये है भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च सैटेलाइट का क्या नाम है? चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? गाओफेन 7। क्या नाम है? गाओफेन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क अभी आपको पता है, हाल ही में 31 अक्टूबर को गांधी जयंती, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था? भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, ये कम से कब तक मनाया जाएगा? 5 से 8 नवम्बर को, और कहां पर मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारतीय अभिनेता का नाम दुबई की बुर्ज खलीफा पर लिखा गया? तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन था, ठीक है, और ये काफी फिल्म इंडस्ट्री की काफी जानी मानी हस्ती भी हैं। तो ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम दुबई की बुर्ज खलीफा पर लिखा गया। बुर्ज खलीफा दुबई की बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस पर इनका नाम अंकित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एनबीए अकादमी द्वारा किस भारतीय महिला खिलाड़ी को चुना गया है? हरसिमरन कौर को। ठीक है, एनबीए है नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी, ठीक है, ये एक अमेरिका की एजेंसी एकेडमी है, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, पहली बार किसी भारतीय महिला खिलाड़ी को इसके लिए चुना गया है, उनका नाम क्या है? हरसिमरन कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रग्बी विश्व कप 2019 किसने जीता है? ये जीता है साउथ अफ्रीका ने, ये लगातार तीसरी बार इसने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज कहां पर लॉन्च किया गया? ये कहां पर लॉन्च किया गया? सिंगापुर। कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई जिस देश में भी कार्बन की मात्रा अधिक हो रही है, मतलब फिलहाल तो ग्लोबल वार्मिंग हर जगह बढ़ रही है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, तो एक चेन बनाई जा रही है जिसकी वजह से इस पे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है पहला ब्लॉक इसका? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारत का नया राजनीतिक मानचित्र कब जारी किया गया? तो जैसे कि आपको पता है, 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, ठीक है, तो इसका नया मानचित्र जारी हुआ है जो कब जारी किया गया? 2 नवंबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? रूस की यात्रा पर गए थे रक्षा मंत्री बनने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज पीसीआई ने राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता 2019 के लिए कौन से समाचार पत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है? ठीक है, तो यह है आपका दैनिक जागरण। ठीक है, 16 नवम्बर को इसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये कब? 2019 और 20। इसका खिताब किसको मिला है? इंडिया बी को मिला है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है? दशरथ सिंह, हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कुल 51 डिग्री है इनके पास, मिला के कुल 51 डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स है टोटल इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिलाड़ियों का बीमा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो खिलाड़ियों का बीमा करेगा? ठीक है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिला बाल और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा किस पहल को लॉन्च किया है? तो उन्होंने किसको लॉन्च किया? युवा पहल को। विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी? अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? एक्शन आर आउट फ्यूचर हेल्दी डाइट्स फॉर अ जीरो हंगर। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? एक्शन आर आउट फ्यूचर हेल्दी डाइट्स फॉर अ जीरो हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा की है? ठीक है, ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने गीले कपड़ों से बिजली पैदा की है? तो ये आईआईटी खड़गपुर एक ऐसा संस्थान है जिन्होंने गीले कपड़ों से बिजली पैदा की है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज सपोर्ट अस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई किसी भी तरीके के क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन पे गौर किया जाए। और अगर क्वालिटी में या फिर कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड वीकली मंथली जैसा भी आप करंट अफेयर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।